सशक्तिकरण और धार्मिक आरक्षण पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को फिर घेरा। पिछड़े वर्ग का हक छीनने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। पीएम के दावे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए इसे हार के डर से हताशा का संकेत बताया। विरासत टैक्स को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी की संपत्ति के लिए राजीव गांधी ने खत्म कर दिया था विरासत टैक्स। अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। पीएम के हमलों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने फिर कहा कि विरासत टैक्स हमारे मैनिफेस्टो में शामिल नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। यहां अखिलेश का सीधा मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा। नामांकन के बाद अखिलेश ने पहली ही गेंद में सिक्सर मारने का दावा किया। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और छह की छह बॉलों पे छक्का मारेंगे। पीएम मोदी ने अखिलेश और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी कई बार फ्लॉप रही। दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। प्रियंका अगर बरेली से उतरती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। जानकारी के मुताबिक राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद 27 अप्रैल को उम्मीदवारी का ऐलान होगा। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने जनता से लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए वोट करने की अपील की। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। सलमान की कर फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने पंजाब से दो और आरोपियों सोनू चंदर और अनुज थापन को गिरफ्तार किया। दोनों ने शूटर्स विक्की गुप्ता और सागरपाल को 15 मार्च को हथियार मुहैया कराए थे। आरोपी अनुज थापन बिश्नोई गैंग का मेंबर है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मुंबई लाया जा रहा है। वहीं 14 अप्रैल को सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स विक्की गुप्ता और सागरपाल को 29 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का ऐसा कहना था कि अभी जांच में बहुत कुछ चीजें सामने आनी बाकी है, इसके लिए पुलिस कस्टडी की जरूरत है और न्यायालय ने उनकी बातों को कंसीडर करते हुए कोर्ट से 4 दिनों की और पुलिस कस्टडी।